रहा था ओआर के लिए, और आज मुझे लगता है कि ओआर ने एक अच्छी शुरुआत की जरूर है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ओआर की तरफ से और ट्राई करेंगे इस मैप के अंदर भी, इस मैच के अंदर भी अपना बेचने का, सो दैट इससे भी जितने ज्यादा पॉइंट्स अर्जित कर सके कर ले। हैदराबाद हाइड्रास से हम यहाँ पे शुरुआत कर देखेंगे इस मैच की, देखते हैं किस तरीके से प्लेन को बुलाते दिखेंगे, किस तरीके से फ्लाई पाथ आपको यहाँ पे आता दिखेगा, क्योंकि फ्लाई पाथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और लीजिए फ्लाई पाथ बिल्कुल भी आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, एकदम सेंटर से आता है फ्लाई पाथ आपको यहाँ पे नीचे के एरिया लॉस हिगोस से ला कोबरेरिया की तरफ आपको ये फ्लाई पाथ जाता दिखने वाला था। देखते हैं किस तरीके से टीम स्प्रेड होती दिखेंगे, लॉस लियोंस एक बहुत क्रूशियल एरिया यहाँ पे रहने वाला है। एंड एक और मिरामार लोग कैसे भूल सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने इस कॉम्पिटेटिव लॉबी को क्लासिक में टर्न करा था, और वहां पे इनसेन की स्क्वाड अकेली है गॉडलाइक। पिछला मैच काफी ज्यादा बेहतरीन रहा, 1v1 का आखिरी में सिचुएशन फंसा जरूर था, एक बार के लिए लगा कि चिकन डिनर उनके पास आ सकता है, बट रेवेनेंट के प्लेयर थोड़ा सा ज्यादा तेज हुए और चिकन डिनर आया 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 गॉडलाइक के हाथों से निकल गया। शुरुआत अच्छी रही, 24 से सीधा 12 पे वो पहुंच चुके हैं। आज के दिन पे और कितना ऊपर जाएंगे, क्योंकि लास्ट दो मैच अभी भी बाकी हैं इस ग्रुप के गॉडलाइक के। एक्चुअली द मैडमैन जो कि वो कंफर्मेशन निकाल दिखेंगे, और 8bit इज अ टीम जो कि वो पहला फिनिश निकाल दिखेगी, पहली टीम को बाहर करती दिखी। मुझे नहीं लगता इससे सरल फाइट हमने पूरे ग्राइंड में देखी होगी, जिस तरीके से रेवेन को यहाँ पे एलिमिनेट करा गया, बट क्लाउड की बात करी जाए ऊपर वो बैठे जरूर थे, सरप्राइज हुए होंगे नियो, और बिल्कुल उनको अंदाजा था नहीं, बट चलिए क्लच गॉड वो बदला लेने में कामयाबी हासिल करेंगे। और जहां तक मुझे उम्मीद है यहाँ पे फुक्का मारा जाएगा, चलिए नहीं, वहां पे क्लच गॉड डाउन करेंगे क्लाउड को, और इसी के साथ एंटिटी का एक प्लेयर यहाँ पे खत्म होता हुआ। बट आप देखिए दो फिनिशेज जरूर रहेंगे गॉडलाइक के पास, बट नियो को उन्होंने खो दिया। एंटिटी के बाकी प्लेयर आपको सामने दिखाई देंगे, काफी बढ़िया स्प्लिट हमें एंटिटी का करेंगे। टीएसएम के प्लेयर अभी भी व्हीकल में जा जरूर है, बट जॉनाथन की बात करें K47 को उन्होंने एलिमिनेट किया, डाउन किया है, एलिमिनेट किए जाएंगे और पैन चालू होगा इस आखिरी दिन पे। बट दूसरे साइड में ब्लेज की बात करी जाए वो भी यहां पे डाउन हो चुके हैं, जॉनाथन काफी लंबा वक्त हो चुका था उनको एक की बात करें, सर्कल के बाहर हाइटवा सर्कल के बाहर है, बट क्लच गॉड की बात करी जाए उन्होंने अपोलो को स्पॉट किया, एफएस की स्क्वाड K47 को ऑलरेडी वो खो चुके हैं, बाकी के तीन प्लेयर सर्वाइव करेंगे, बट क्लच गॉड बग्गी पे डैमेज उनके भी काफी ज्यादा पड़ता हुआ। जॉनाथन आज तवा बहुत ज्यादा गर्म करके लेके आए हैं, उस दिन जादू थे, आज जॉनाथन है। वो मिरार से सर्कल के अंदर एक अच्छा एरिया पकड़ के थोड़ा सा वेट करना चाहेंगे गॉडलाइक, उनको भी हल्का भी यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि कंपाउंड उनको ऑलरेडी मिल चुका है। आते हुए प्लेयर्स के ऊपर कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे, गेट कीपर्स बनने की कोशिश करेगी टीम। मैं ये देख रहा हूँ गॉडलाइक और कितने फिनिशेस निकाल के जाने वाले, सात ऑलरेडी फिनिश उनके पास हो चुके हैं। एफएस उनको प्लेसमेंट पॉइंट चाहिए, कैसे ना करके उनको सर्वाइव यहाँ पे करना है, क्लच आए जरूर है, वहाँ पे पैराडॉक्स डाउन है, बट ग्रेनेड की बारिश होती है, बहुत ही बढ़िया ग्रेनेड, हिटमैन एगी के हाथों डाउन किए जाएंगे, स्प्लिट की बात करें वो भी यहाँ पे डाउन हो चुके, क्लच लास्ट प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से, उनको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा बट निकलने दिया नहीं जाएगा, एगी खत्म करेंगे क्लच को, और इसी के साथ एफएस की स्क्वाड एलिमिनेट होती हुई 11th प्लेस पे, मात्र केवल एक प्लेसमेंट पॉइंट उनके पास आया जो कि उनको जरूरत थी, और ज्यादा प्लेसमेंट पॉइंट को उनको जरूरत थी। बट गॉडलाइक की बात करी जाए एच पे आपको दिखाई देंगे नियो कब डाउन हुए थे, उसके बावजूद आप देखें 8 टोटल फिनिशेस हमें गॉडलाइक के पास देखने को मिलेंगे। सामने सेल्स की स्क्वाड मौजूद रहेगी, जॉनाथन का एक बढ़िया ग्रेनेड गया जरूर है, ठिकाने पे गिर सकता था, वो ग्रेनेड गिरा भी, एक और ग्रेनेड जाता और रॉक्स डाउन होंगे सेल्स की स्क्वाड इस मैच से बाहर। गॉडलाइक इस वक्त डोमिनेशन पे जाते हुए 10 टोटल फिनिशेस उनके पास, जॉनाथन 4 फिनिशेस के साथ, द गोल्डन हैंड गाय, जिस तरीके से वो ग्रेनेड्स एग्जीक्यूट होते दिख रहे हैं, इट इज जस्ट अमेजिंग। 10 फिनिशर्स हो चुके हैं, 3 ही प्लेयर्स ज्यादा है टीम, जॉनाथन को भी यहाँ पे स्पॉट की जगह डैमेज दी जरूर गई है कुछ ग्रेनेड्स के थ्रू। अभी के लिए ऊपर 8bit बैठी है जो कि कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रही है, बट नाउ 8bit हैज टू कम डाउन, उनको सर्कल के अंदर आना पड़ेगा। गॉडलाइक कुड बी द वन जो कि इसका बेनिफिट जरूर उठाएंगे, और अगर वो नहीं उठा पाते, सामने इनसेन बैठी है वो डाउन करेगी, तो मैटर क्या करता है कि आपके सामने ओपोनेंट्स कम हो, आप करेंगे फिनिशेस आप लेके जाएंगे, आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट प्लेयर्स कम होंगे। एनिग्मा यहां पे फाइट लेगी इनसेन के साथ, एगी की तरफ से इनसेन के मैक को डाउन किया जाएगा, पूरी की पूरी टीम फिनिश होगी, और एनिग्मा 6 फिनिशेस इनके पास भी। हर वो टीम जो पीछे बैठी है आपको फाइट दिख रही है, हर वो टीम जो पीछे बैठी आगे आती दिखेगी, बट जी गॉड एनिग्मा के रेक्स को डाउन करेंगे। पिछला गेम एनिग्मा का डिसेंट किया था, इस गेम के अंदर भी अच्छा प्रदर्शन, 8bit बैक फुट पर जाएगी, जॉनाथन अगेन एंड अगेन एंड अगेन ग्रेनेड के थ्रू एक और प्लेयर को डाउन करेंगे, रयद अब वो अकेले बचे हैं। ओ बच गए, रयद की बात कही जाए एचपी बहुत ज्यादा डाउन है, मोस्ट प्रोबेबली ये वाला ग्रेनेड होगा जो खात्मा करेगा 8bit का, रयद के बहुत ज्यादा क्लोज, वो ग्रेनेड है जी बिल्कुल वहां पे खत्म हो गया, बट रयद उन्होंने खुद पे ही ग्रेनेड कर दिया, जी नहीं वो जो फिनिश था वो यहां पे मिलेगा जॉनाथन को, टोटल 6 फिनिशेस उनके पास रहेंगे, 13 फिनिशेस, बट इन सब के बीच में सरदार जी जिनका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है वो हाइड्रा की स्क्वाड रहेगी,
प्लेसमेंट पॉइंट मात्र उनको चाहिए और वो निकाल के जा रहे हैं। बट जोनाथन एक बार फिर से 6 टोटल फिनिशर्स उनके पास है, देखते हैं और कितने वो निकाल सकते हैं। रेवरेंट के एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया, एनिग्मा की स्क्वाड सामने मौजूद रहेगी। और इस वक्त सर्कल की बात करी जाए, एनिग्मा गॉड लाइक सर्कल के अंदर, हाइड्रा सर्कल के अंदर उनको निकलना पड़ेगा। बट कोशिश करनी है हाइड्रा की कैसे भी करके वो प्लेसमेंट पॉइंट के साथ फिनिशर्स निकाल पाए। मौली की गई है एगी के पास, थोड़ा सा दूर रह गया एगी, अभी भी ग्रेनेड करने की कोशिश करेंगे। शायद जोनाथन को आवाज जरूर आई होगी, स्मोक करेंगे, खुद को बचाएंगे। बट एगी काफी ज्यादा दूर से डाउन होते हुए टॉप टॉप के द्वारा डाउन किए गए, क्लच गॉड स्पॉट किए गए थे। बट चलिए कम से कम अपने आप को सेफ रख पाएंगे, बट लेजेंड डाउन किए गए। Revenant और साथ साथ गॉडलिक, ये दो टीमें पिछले गेम में लास्ट तक बची थी। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रा के प्लेयर्स के ऊपर भी कनेक्शन हो जा रहा है। जोनाथन वो यहाँ पे स्पॉट करेंगे, प्लेयर को टेक डाउन करेंगे। कोई रोक लो इस खिलाड़ी को, क्योंकि ये प्लेयर नहीं रुकने वाला। एक और स्प्रे जाएगी, लेकिन जोनाथन एक फायर उनके तरफ भी आएगा। जोनाथन को भी एक इंस्टेंट ट्रेड में टेक डाउन किया जाएगा, रिवाइवल देने का पूरा मौका है टीम के पास। एनडीडी वो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे रेवेनेंट के ऊपर पूर्ण विराम लगाया जाएगा। ट्रॉय व्हीकल बर्स्ट करेंगे, स्ट्राइकर मिनी 14 से आर स्पोर्ट्स के रॉकस्टार को डाउन करेंगे। East Black, वो यहाँ पे रॉकस्टार का कंफर्मेशन निकालने वाले आर स्पोर्ट्स सर्कल के बाहर। उन्हें अंदाजा नहीं है कि पीछे आर स्पोर्ट का प्लेयर ही बैठा है, सामने आपको नॉट सामने बट बगल में आपको गॉडलाइक भी दिखेगी। तो पूरे तरीके से हाइड्रा बंद चुकी है अब वहां पे। कितने ग्रेनेड फिनिशेस इस मैच में, कितने और ग्रेनेड फिनिशेस हमें देखने को मिलेंगे। हाइड्रा प्लेसमेंट पॉइंट पे फोकस कर जरूर है, बट उन्हें भी फिनिशेस चाहिए होंगे। 0 फिनिशेस उनके पास है। यहां इलिमिनेट हुए तो मात्र केवल 4 प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिलने वाले। कोशिश करना पड़ेगा फिनिशेस जाते जाते निकाले जरूर। बट जादू उनके पीछे मौजूद रहेंगे, जादू हील बैटल कर जरूर है। बट एनिग्मा की बात करें सामने मौजूद रहेंगे, शैडो मैक्सी के द्वारा डाउन किया गया। जोनाथन 7 फिनिशेस के साथ 10 करने की कोशिश जरूर रहेगी। शैडो डाउन है, लास्ट प्लेयर ट्रॉय अपनी टीम से सर्वाइव करते हैं। एक बढ़िया ग्रेनेड जाता है, क्लच गॉड का वीर को डाउन किया गया। लास्ट प्लेयर इस वक्त ईवो सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से। जोनाथन एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, मैक्सी को डाउन किया गया। जोनाथन एक और प्लेयर इस ब्लॉक डाउन किया गया, कैरी सामने मौजूद है, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया बट नॉक नहीं निकाल पाएंगे। ट्रॉय खत्म बाजी में, 11 प्लेयर इस पूरे लॉबी में। व्हाट इज दिस गाय, जिस तरीके से स्प्रे जा रही है पूरी की पूरी टीम की, ग्रेनेड्स हो गई, स्प्रेज हो गई, हर एक चीज। बट अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है क्योंकि क्लच गॉड को डाउन किया जाएगा ओपन में। अब स्ट्राइकर वो कनेक्शन हुए, लेकिन सही टाइम पे एक अच्छा कवर जोनाथन तरफ से आएगा। क्लच गॉड को यहाँ पे बचाने के लिए स्ट्राइकर को हल्का सा यहाँ पे बैकफुट पे धकेला जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक क्लच गॉड बचेंगे। 2 ही प्लेयर्स बचे टीम का, लेकिन जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ फिनिशर्स, मेजी 16 फिनिशर्स ऑलरेडी। जी गॉड एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, दिस कुड बी अ मैच जो कि बहुत बड़ा हो सकता है। बट हैदराबाद राइडर्स पूरे तरीके से टीम को एलिमिनेट कर सकते हैं। पीछे बैठे एनिग्मा के एक प्लेयर के जी गॉड के ऊपर कैरी ग्रेनेड आएगी, उसको भी डाउन कर दिया जाएगा। अब जोनाथन इज द ओनली गाय स्टार्टिंग फॉर द टीम, ये आखिरी उम्मीद रहने वाले। क्या बाहर निकलेंगे, क्या स्प्रे देंगे, एक बड़ा सवाल, क्योंकि अभी के लिए सर्कल इनके पास है। सर्कल निकलना जरूर पड़ेगा, बट एनिग्मा के जो प्लेयर आखिरी बचे हुए ईवो, उनको देखे वो बस घात लगा के बैठे हुए। जैसे ही प्लेयर निकलेंगे, स्ट्राइकर सारे प्लेयर निकलेंगे, व्हीकल में बैठ चुके हैं, क्या वो निकलेंगे? ईवो कितने फर्स्टेड है, 7 फर्स्टेड लेके बैठे हुए उनके पास, ग्रेनेड्स कितने वो जरूर देखना पड़ेगा। बट क्या जीगोट को रिवाइव कर सकते हैं? इस ब्लैक आने की कोशिश कर रहे थे, गलती करी जीगोट, मॉस्पल भी यहां पे रिवाइव कर दिए जाएंगे। बट सामने कैरी मौजूद रहेंगे, जोनाथन एक और प्लेयर को डाउन करते हुए जीगोट उनको रिवाइव किया जाएगा। जोरो सामने मौजूद है, स्पॉट किया गया जोनाथन के द्वारा, खात्मा जोनाथन 9 फिनिशेस के साथ, जोरो खात्मा हाइड्रास मुश्किलों में बहुत ज्यादा। बस स्ट्राइकर मैक्सी लास्ट 2 प्लेयर सर्वाइव करेंगे हाइड्रास से। जोनाथन पूरी तरीके से फोकस, बट आप देखें 9 फिनिशेस, जीगोट रिवाइव हो चुके हैं। बट अब 1v2 का सिचुएशन होता हुआ, खैर 2v2 का यहाँ पे सिचुएशन होता हुआ, मैक्सी वर्सेस जोनाथन 1-1 का सिचुएशन। डैमेज बहुत ज्यादा, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर सरदार जी? सी गॉड लास्ट प्लेयर सर्वाइव, स्ट्राइकर अकेले बचे अपनी टीम से। जोनाथन अब वो आगे बढ़ना चाहेंगे, स्ट्राइकर अकेले बचे, वो भी कोशिश करेंगे कनेक्शन ढूंढने का। आगे बढ़ के वो कनेक्शन निकाला चाहेंगे, लीजिए ग्रेनेड टॉस की जाएगी, जोनाथन को डाउन किया गया। बट स्ट्राइकर की एचपी बिल्कुल नहीं है, जीगोड विद एयूजी आगे बढ़ेगा और कनेक्शन ढूंढ के दिखाएंगे। विनर विनर चिकन फॉर टीम गॉडलाइक। आपको यहीं पर ही टॉप चलेंगे दूसरे पेज।